जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल बीके अकेडमी। बीके अकेडमी में आपका स्वागत है दोस्तों। आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है 2001 आर, क्योंकि सोल्जर जीडी आर्मी 2021 का क्वेश्चन रिलेटेड लाए हैं न्यू मॉडल का। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज़ाद भारत का पहला शिक्षा मंत्री कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है मौलाना अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी में डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी में राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मौलाना अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर दो, राष्ट्रीय खेल कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में है कबड्डी, ऑप्शन नंबर बी में क्रिकेट, ऑप्शन नंबर सी में बेसबॉल, ऑप्शन नंबर डी में हॉकी। तो चलिए दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हॉकी। हॉकी को भारत का राष्ट्रीय खेल माना गया है। क्वेश्चन नंबर तीन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में डॉक्टर राधा कृष्णन, ऑप्शन नंबर बी में पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर डी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर चार, वर्ष का लंबा दिन कौन सा? ऑप्शन नंबर ए में 22 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी में 21 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी में 23 मार्च, ऑप्शन नंबर डी में 21 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 21 जून। श्रीलंका की राजधानी कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में कैनबरा, ऑप्शन नंबर बी में कोलंबो, ऑप्शन नंबर सी में सिडनी, ऑप्शन नंबर डी में जयवर्धनपुरा कोटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जयवर्धनपुरा कोटे। क्वेश्चन नंबर छः, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? ऑप्शन नंबर ए में बाबर, ऑप्शन नंबर बी में हुमायूं, ऑप्शन नंबर सी में अकबर, ऑप्शन नंबर डी में औरंगजेब। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब ने बनाया था फतेहपुर सीकरी। क्वेश्चन नंबर सात, गरबा कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर ए में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी गुजरात, ऑप्शन नंबर डी में असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। क्वेश्चन नंबर आठ, अवतल दर्पण में परछाई कैसे बनते? ऑप्शन नंबर ए में वास्तविक, ऑप्शन नंबर बी में आभासी, ऑप्शन नंबर सी में ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण में बनता परछाई वास्तविक। फलों का खट्टा होना किस कारण होता? ऑप्शन नंबर ए में किण्वन विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में वाष्पीकरण विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में तुष्टिकरण विधि द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में आसवन विधि द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए किण्वन विधि द्वारा। क्वेश्चन नंबर दस, सबसे लंबी आयु होती है, यहाँ मिस्टेक हो गया दोस्तों, क्वेश्चन नंबर दस में हो गया, इनमें से सभी इनमें से लंबी आयु होती है आयु। ऑप्शन नंबर में हाथी, ऑप्शन नंबर बी में कछुआ, ऑप्शन नंबर सी में बाघ, ऑप्शन नंबर डी में नेवरा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी कछुआ। कछुआ की जो है उसका सबसे लंबी आयु है। अगर दोस्तों मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक फॉर वॉच। जय हिंद दोस्तों।